गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू ग्रोइंग होप। और मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग, बहुत लंबा वीकेंड है इस बारी, तो अगर एक आधा छुट्टी आप ले लो तो बहुत छुट्टियाँ बन रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं देख रही हूँ हमारे आसपास भी, अपनी बिल्डिंग में भी, कि लोग बहुत खुश हैं, खूब घूम रहे हैं, मतलब पार्किंग तो खाली ही है ऑलमोस्ट, तो सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और अच्छी बात है। फेस्टिवल आ रहे हैं तो, और सब अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हैं। तो जैसा कि अब मैंने आपको दिखाया अपने पिछले व्लॉग में कि मालपुआ बनाया, उससे पहले मैंने थोड़ी मठियाँ और वो बनाई, तो ऐसे मेरे दिल में आया कि चलो, दिल में भी क्या आया कि यहाँ पे हम साउथ दिल्ली से जब से आए हैं यहाँ पे, हमें यहाँ की शॉप्स भी नहीं मालूम और मुझे डाउटफुल ही लग रहा है यहाँ पे NCR में ना कहीं से कुछ लेते हुए, तो सोचा क्यों ना घर में ही बर्फी बनाई जाए नारियल की। डेसिकेटेड नारियल मैं ले आई थी अपनी तरफ से बहुत अच्छे शॉप में, उसको पूरा 10 बारी पूछ के, एंड ड्राई मिल्क पाउडर लाई, कंडेंस मिल्क वहाँ मिला नहीं, तो ये सब मैं देखा और भी वीडियोस देखी कैसे कैसे बना रहे हैं। कुछ तो मेरे को मालूम था, लेकिन ये होता है कि किसी और का भी तुम देख के थोड़ा और उसको इनोवेटिव कर देते हो उस चीज़ को। तो मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं घर में कुछ, मतलब ऐसे स्वीट्स भी घर में अपने बना लूँ रक्षाबंधन पे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए, मैं स्वीट्स बनाती हूँ और कैसे मैं बनाऊँगी नारियल की बर्फी, बहुत ईजी है, आप देखिए और फिर मिलते हैं आपसे। चलते हैं किचन में। के करीब होगा ना, 150 ग्राम नहीं, कम 100 ग्राम ही होगा ये भी, क्योंकि 200 ग्राम का वहाँ पैकेट लाई थी, पूरा नहीं डालना लिखा था। तो इस तरह से ये है, और ये मेरे पास है इलायची जो हम इसमें डालेंगे, और ये कलर के लिए है बेबी सैफरन, स्किन स्क्रीन डालेंगे थोड़े से न्यू फॉर्म उसमें, तो ये मैं थोड़े से 2-4 स्ट्रिंग डाल देती हूँ, और 2-3 चम्मच थोड़े से हल्के दूध में, ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए। देखते हैं, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, लिया तो मैंने कप का है लेकिन कभी यूज नहीं करा, तो ये इन सब चीजों को मिला के मैं बनाऊंगी। मीठा तो हमारे घर में कम ही खाते हैं, सबको परहेज है, ये मैंने डाल दिया है, और थोड़ा मैं लगता है इसको माइक्रो में चला लूँ, ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसका कलर अच्छा आ जाएगा। इन द मीन टाइम हमको क्या करना है, तो सबसे पहले हम इसको हल्का सा गर्म करके, और ये मैंने आज निकाला है गाइस, इसको मेरे को 1.5-2 साल से ज्यादा ही हो गया खरीदे हुए को, ये वंडर शेफ का है, इसका मटेरियल अच्छा है, थोड़ा सरफेस है थोड़ा मोटा है, तो इसमें देखते हैं आज बना के मीठा मीठा। तो ये मैं इसमें 2 चम्मच देसी घी के डाल दूंगी, इसमें बटर भी लिखा था, तो बटर तो मेरे पास वाइट वाला नहीं है, इसमें वो होगा, पता नहीं वो डाल सकते हैं या नहीं, तो मैं तो इसी में बना रही हूँ। थोड़ा सा देसी घी डाल दिया मैंने, और इसको हम गरम करेंगे, और गरम करने के बाद इसमें हम डालेंगे दूध, जैसे ये गरम हो जाए इसमें हम डालेंगे दूध, ये देखिए गाइस, आप मुझे ना देख के, ये देखिए, ये हम इसमें दूध डालेंगे, इसको चलाएंगे थोड़ा थोड़ा, और इसकी अभी तो हम हल्का बहुत बीच का भी रख सकते हैं, तो उसके साथ का ये देखिए गाइस, सिलिकॉन का ये खरीदा था, ये भी साथ में आज ही खोला है इसको भी, होम सेंटर है ना प्रोमिनेंट, वहां से लिया था हमने ये होम सेंटर से। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ, और इसमें हम चीनी तो जल्दी घुल जाती है, तो पहले मैं चीनी डाल देती हूँ,
बिल्कुल स्लो आंच पे करना है हमको। और उसके बाद हमें इसको धीरे क्या बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्लो स्लो डालना है, इसकी गुठलियां नहीं बननी चाहिए। ये जो मिल्क पाउडर है इसको ये अच्छे से मिक्स होना चाहिए, स्लो स्लो डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें गुठलियां नहीं बने। फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ स्वीट घर पे, पाउडर मिल्क से भी बन जाता है बोला था, तो इसीलिए मैं बना रही हूँ। मैंने ये ऑलमोस्ट बंद ही कर दी थी, तो मैं इसको ऑन कर दी थी बिल्कुल स्लो स्लो करके हम इसको डालें। थोड़ा सा इसको ये जब पक जाए उसके साथ साथ हम नारियल का बुरादा भी डाल देंगे। नारियल हम इसमें डाल देंगे, इलायची पाउडर ये वाले स्पून से आधा, 1/4 से थोड़ा सा ज्यादा, अच्छे से मैंने डाल दिया। और हम इसको चलाते रहेंगे और जस्ट ये थोड़ा सा पक जाए। आप इसमें देसी घी के साथ, जैसे मैंने देसी घी डाला, अगर नहीं है तो बना सकते हैं, और अगर आपके पास व्हाइट बटर है तो वो बहुत उसका ज्यादा अच्छे बनेंगे, और भी अच्छा वो आएगा। क्योंकि देखिए उबलने लग रहा है, मैंने थोड़ा सा ऊंचा कर दिया क्योंकि इसका वो भी कलर चेंज होना चाहिए। अब मैं इसमें धीरे धीरे वो डेसिकेटेड कोकोनट का बुरादा जो मैं लाई हूँ वो भी डाल दूंगी, उसका भी लम्स नहीं बनने चाहिए। और इस तरह से मैं ये भी डाल दूंगी, कच्चे नारियल का भी जो ब्लैक वाला हिस्सा है इसको आप काट दीजिए और ग्रेट कर दीजिए, और बहुत अच्छा बनता है उसका। तो खैर अब मेरे को तो मालूम नहीं था, नहीं तो मैं वो पहले ट्राई करती, बट मैंने जब बाद में पढ़ी, लोगों की वीडियोस देखी, तो उससे मुझे मालूम पड़ा। बट कहते इसकी भी बहुत अच्छी बनती है, आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए गाइस, बस ये लास्ट था, ये भी मैं तो इसको हम चलाते जाएंगे। और मैंने जो सैफरन डाला वो भी मैं निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा कलर उसका भी आ जाएगा। थोड़ा सा मुझे वाइट अलग निकालना है किसी पर्पस के लिए, वो मैं आपको बाद में अभी बताती हूँ कि मैं वाइट क्यों निकालना चाहती हूँ। इसको मैं थोड़ा पहले कर लूँ, फिर मैं कलर के साथ ही ना वो कलर छोड़ेगा, बहुत अच्छा लगेगा। सैफरन सैफरन भी डाल देंगे, और इसके साथ अच्छे से पकेगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ती है गाइस। तो मैं अभी आपको बताती हूँ, ये व्हाइट वाला चाहिए था अलग से, नहीं तो वो सारा ही एक कलर छोड़ देता। देखते हैं इसमें कैसा कलर आता है, नहीं आएगा तो मेरे पास और भी, मैंने एक फूड कलर लिया है, मैं उसको यूज कर लूंगी, थोड़ा डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा येलो कलर। बिल्कुल जरा सा
ये देखिए इतना सा। कलर बाद में डालेंगे, पहले शायद जब ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा तभी निकालेंगे, कलर भी तभी डालेंगे नीचे उतार के। मुझे याद आ गया, तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ना, तैयारी करके रख लेती हूँ। जरा सा मैंने इसमें बिल्कुल थिक हो जाना चाहिए गाइस। अब ये देखिए थिक हो गया, जमाने लायक हो जाएगा। बस मैं इसको थोड़ी देर में नीचे उतार दूंगी, ये अच्छे से पक गई है। काफी थिक होगी गाइस। और मैं आपको नीचे ये देखिए गाइस, ये तो मैंने बर्फी के लिए तो इसमें पैक करके नीचे ग्रीसिंग करके इसके वो लगा दिया, और अब मैं तैयारी करूंगी उसकी, ये ट्राई कलर बनाने की, ट्राई कलर की बर्फी। तो उसको भी मैं ऐसे हाथों की सहायता से पहले इसको करूंगी, हाथ से जल्दी हो जाता है, थोड़ी सी बनाऊंगी दो चार ही, क्योंकि ज्यादा था नहीं, जितना सामान था उसी का मैंने थोड़ा सा बना दिया। ऐसे करके इसको पैक कर लेंगे, ऐसे करके एक चकोर बना देंगे इसको, तो पैक कर करके ऐसे, और ऐसे मैं इन दोनों का भी बना दूंगी, और जब मैं बना दूंगी फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए गाइस, ये तो मैंने आपको दिखा दिया था, और मैं आपको एक चीज और बताना भूल गई कि मैंने ये भी नट्स भी काट के रखे हुए थे, पिस्ता बादाम, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर वो कर दूंगी, और फिर हम उसको जब ये फ्रिज में रखेंगे, अभी हम इसको डेढ़ दो घंटे थोड़ा और टाइट हो जाए, और उसके बाद हम फिर इसको कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसको गार्निश कर दिया, और बाकी बचे हुए हम बर्फी में लगा देंगे। देखिए गाइस, मैंने लगा दिए, ये मैं पूरी बन गई है प्लेट मेरी, इसको मैं फ्रिज में रखूंगी। सिमिलरली ये जो मेरा जो मैं अभी तिरंगा काटूंगी इस तरह से, ये फेस थोड़ा कम था तो वाइट हल्का सा दिख रहा है। एनीवे इसको भी हम ऐसे गार्निशिंग कर देंगे, और इधर से भी करेंगे, और इसको जब ये पूरी वो हो जाएगी तो ये ऐसे आने चाहिए, तिरंगा ऊपर आना चाहिए, मुझे ध्यान नहीं आया। एनीवे थोड़ी इसके लिए रख दी, थोड़ी इसके लिए रख देंगे, सीधे रख देंगे, थोड़ी इधर भी लगा दी, कोई बात नहीं। अभी जब हम इसको फ्रिज से निकालेंगे, और फिर मैं कट करूंगी पीसेस में, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाया फाइनली। सो गाइस देखिए, ये मैंने जमा दी है, जमा के फ्रिज से निकाल दी है, डेढ़ दो घंटे हो गए, ज्यादा ही हो गया होगा। मैं देखती हूँ, मैं निकालूंगी ऐसे बर्फी,
छोटे छोटे पीस भी हो गए कोने में। पैकनी तो है नहीं, लगा देती हूँ। अब आ रही है, ये देखिए, ये तो हमारी होगी बर्फी तैयार, येलो वाली। देखने में तो बहुत ज्यादा दिलकश लग रही है कि पता नहीं, बहुत टेस्टी होगी। और अब हम काटेंगे तिरंगा, देखते हैं हम तिरंगा काटेंगे। तिरंगी बर्फी काटेंगे। ये बहुत ही कलरफुल हमारी बनेगी। और ऐसे ट्राई कलर कैसे ही रख लो, इसको ऐसे रखो, ऐसे रख लो, कैसे भी रख लो, सॉरी जल्दी जल्दी में कहीं ना खराब ना कर दूं। थोड़ी सी हल्की सी कसर रह गई है, फिर फ्रिज में लगा दूं। सो गाइस, मैंने ये तिरंगी बर्फी भी तैयार कर दी, बहुत बहुत सुंदर लग रही है, नो डाउट। ये देखिए कलरफुल, थोड़े थोड़े मैं इसके ऊपर पिस्ता लगा दूंगी। पिस्ता कह रही, पिस्ता तो रहे नहीं गया, थोड़े से काजू रह गया था, बादाम, बस वही काजू भी खत्म ही था, काजू भी नहीं था। तो देखिए गाइस, ये हमारा रेडी हो गया। इसमें बहुत सारी है नीचे गिरी हुई, तो देखिए गाइस, ये हमारे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे प्लस हैप्पी रक्षाबंधन। तो सुबह मिलेंगे आपसे और मैं आराम से इसी से मतलब वो करूंगी पूजा। और भी मैं मिठाई लाई हूँ, डोडा लाई हूँ, बेटी से मंगवाया मैंने, लेकिन कुछ तो अपने घर में भी बनाना चाहिए, तो ये मैंने बनाया है। आई होप गाइज आपको बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक करिएगा। अभी मिलते हैं कल, अभी रक्षाबंधन पे। बाय, गुड नाइट। वीडियो बना रही हूँ, टिफिन ये चोर आदमी पूरा खाने का, हाँ दो लड़ाई करते थे।
बस हाँ दीदी को बुला दो, टीका भी लगा दो आशा दीदी को, वो बोल रही थी टीका लगाने को, अब भूल गई वो भी बोल के टीका लगा दो यार, तू करा वो लगाना वो आराम से करते मेरे बाल लगा दो बचपन में, पांच मिनट रह गए स्कूल के। गाइस गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून, और आज रक्षाबंधन अब सब कंप्लीट हो गई है, सुबह से काम धाम में लगे हुए थे, फिर मेरी नाना दाइनी थी उनको राखी करी, उनके बच्चों को राखी करी बिटिया ने, और जैसा कि मैं इसमें दिखाऊंगी अभी आपको, और उसके बाद हम मम्मी के घर गए और मैं भी अपने ब्रदर को राखी वाखी बांध के अब वापस आई हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका, हो तो गए थे मैं 3 बजे के करीब आ गई थी वापस वहाँ से, 3:30 हो रहे हैं, तो बस मैं यहीं पे इसको ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ, बहुत थकान हो रही है, और आशा करती हूँ आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से रक्षाबंधन मनाई होगी अपने अपने ब्रदर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन एंड इंडिपेंडेंस डे।